सर अगर हम बात करें 5 बार की चैंपियन मुंबई की, तो मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर में सूर्य कुमार यादव नहीं है, वो पहला मैच नहीं खेल रहे हैं इंजरी की वजह से। तो ऐसे में उनके लिए क्या बेहतर विकल्प हो सकता है, और सूर्य कुमार यादव नहीं है मिडिल ऑर्डर में, तो क्या आपको लगता है कि किसको मुंबई इंडियंस लेकर आ सकती है मिडिल ऑर्डर में, कौन हमें देखने को मिल सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बड़ा झटका है। सूर्य कुमार यादव इस टीम का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। मैच विनर है, नंबर 3 पे डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं, अटैकिंग गेम खेलते हैं, पारी को लेकर जा सकते हैं डेथ ओवर्स तक में। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस उनको बहुत सोरली मिस करेगा। बट अगेन उनको कहीं ना कहीं दूसरे विकल्प देखने होंगे। अनमोल प्रीत आई फील, अगर हम बात करेंगे ईशान किशन और रोहित शर्मा शायद ओपन कर सकते हैं। तिलक वर्मा एक एक्साइटिंग प्लेयर है जिसके ऊपर काफी पैसा लगा है मुंबई इंडियंस ने, और मुंबई इंडियंस की जो स्काउटिंग टीम है उसको ऑब्वियसली उन्होंने जसप्रीत बुमराह जैसे प्लेयर और हार्दिक और कुणाल पांड्या जैसे प्लेयर को उन्होंने स्काउट किया हुआ है। तो अगेन इस प्लेयर के ऊपर उन्होंने बहुत पैसा लगाया है, तो मैं बहुत उत्सुक हूँ कि देखने के लिए कि वो कैसे प्लेयर है। अगेन बहुत अच्छा परफॉर्मेंस डोमेस्टिक क्रिकेट में रहा है, तो वो शायद हो सकता है कि शायद 4 नंबर पे खेले। उसके अलावा टिम डेविड है, अगेन बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, डिफरेंट लीग्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। PSL की बात करें या बिग बैश की बात करें, बहुत हार्ड हिटिंग प्लेयर है, बॉलिंग भी करते हैं ऑफ स्पिन, तो आई फील शायद वो नंबर 5 पे खेल सकते हैं। आपके पास फैबियन एलन का ऑप्शन है, फैबियन एलन एंड पोलार्ड, तो आपके ये 3 आपके जो ओवरसीज बैटर हो जाएंगे मोर लेस, पोलार्ड, फैबियन एलन और टिम डेविड। और उसके बाद आपके पास टाइमल मिल्स है एज अ फोर्थ ओवरसीज ऑलराउंडर, और उसके बाद में जसप्रीत बुमराह, जयदेव उनादकट, मुर्गन अश्विन, मेरे ख्याल से वो शायद खेल सकते हैं एज अ स्पिनर। और कहीं ना कहीं आई फील कि शायद पोलार्ड को शायद 2 से 3 ओवर बॉलिंग करने होंगे, शायद हो सकता है फैबियन एलन के साथ में मिलकर उनको 4 ओवर कंप्लीट करने होंगे। तो डेफिनेटली जो पुरानी मुंबई इंडियंस को हम जानते हैं कि जितना उनके पास स्ट्रेंथ होती थी बॉलिंग की और डेप्थ होती थी उनकी बैटिंग में, तो वो चीज तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मिसिंग होगी। बट मुझे लगता है रोहित शर्मा बहुत श्रूड कैप्टन है, वो इन इन लोगों से भी मुझे लगता है काम निकालने की काबिलियत रखते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर एक और इसी से जुड़ा सवाल है, क्या हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या जो दोनों भाई थे, वो उनको मुंबई इंडियंस मिस करेगी इस बार, क्योंकि वो जिस तरीके की डेप्थ पूरा मिडल ऑर्डर और बॉलिंग तक में अच्छे से पूरा कर पाते थे, उस तरीके से क्या आपको लगता है कि उनको मिस करेगी मुंबई इंडियंस, काफी मिस करेगी? जी हाँ, बिल्कुल मिस करेगी। दोनों ही बहुत क्वालिटी प्लेयर थे, दोनों बहुत बढ़िया ऑलराउंडर थे। और T20 क्रिकेट में अक्षित आपको ऑलराउंडर्स की जरूरत होती है कि आपको वो बॉलिंग भी करे, 2 से 4 ओवर अगर बॉलिंग करते हैं तो नथिंग लाइक इट, बैटिंग कर सकते हैं, और दोनों भी 5 6 नंबर पे बैटिंग कर सकते थे। इनफैक्ट कृणाल पांड्या कभी कभार हम देखते भी थे उनको कि 3 या 4 नंबर पे बैटिंग करते थे। तो ऐसे ऑलराउंडर जो इस पेडिग्री के होते हैं तो उनको तो आप बिल्कुल मिस करते हैं। बट अगेन ये एक मौका है कहीं ना कहीं यंग प्लेयर्स को, जैसे हमने बात की तिलक वर्मा की बात की, टिम डेविड हो गया, डिवाल ब्रेविस भी है उनके पास में जो बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, बहुत रेपुटेशन लेकर आ रहे हैं। एक AB के तरह से जूनियर AB के नाम से उनको बोला जा रहा है, तो उनको देखने के लिए अगेन मैं बहुत उत्सुक हूँ। तो ये मौका मिलेगा इन प्लेयर्स को थोड़ा अपनी शैली दिखाने का। तो अगेन क्योंकि 2 टीमें बढ़ गई है तो कहीं ना कहीं प्लेयर्स को बहुत मौका मिलने वाला है, जो 25 से 50 प्लेयर्स के आसपास लोगों को मौका मिलेगा। तो एक एक तरह से यंग प्लेयर्स, अनकैप प्लेयर्स के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये। जी बिल्कुल सर। और सर आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कल के दिल्ली वर्सेस मुंबई वाले मैच में, आप किसको फेवरेट मानते हैं? दोनों ही आई फील कि बहुत थोड़ा सा अगर देखा जाए, अगर मैचअप्स और लाइनअप्स को देखा जाए तो आई फील कि दोनों ही बहुत ही नए कॉम्बिनेशन के साथ में उतरने वाली हैं टीमें, जो बहुत इससे पहले हमने नहीं देखा है। क्योंकि मुंबई इंडियंस भी हम बहुत स्ट्रांग मुंबई इंडियंस टीम को देखते हुए आ रहे हैं। दिल्ली कैपिटल्स अगेन बहुत स्ट्रांग, दिल्ली कैपिटल्स लास्ट 2 साल से खेल रही है, बहुत बढ़िया प्लेऑफ्स में बढ़िया परफॉर्मेंस किया है, फाइनल तक पहुंची हुई टीम है। बट कहीं ना कहीं थोड़ा लग रहा है कि वो उस तरह की स्ट्रांग टीम नहीं है। तो मुझे लगता है मेरी जो थोड़ा मेरा झुकाव जा रहा है वो मुंबई इंडियंस की तरफ जा रहा है, कि शायद मुंबई इंडियंस का शायद पलड़ा
थोड़ा भारी हो सकता है क्योंकि आप होम कंडीशंस में खेल रहे हो, तो वो चीजें शायद हो सकता है उनके फेवर में जाए थोड़ी।